क्या आईपीएल 2021 को पूरी तरह से खत्म करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक मिनी आईपीएल कराओ और जल्दी से जल्दी आईपीएल 2021 को खत्म करो। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिर ये मिनी आईपीएल क्या होगा, इसका फॉर्मेट क्या होगा और क्यों इसके चांसेस है। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको क्रिकेट के अपडेट्स जो है वो रेगुलरली मिलते रहे। आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो गाइस थोड़े टाइम पहले बीसीसीआई के एक ऑफिशियल ने कहा था कि हम आईपीएल 2021 को पूरी तरह से कराएं, इससे अच्छा है कि हम आईपीएल 2021 में एक मतलब मिनी आईपीएल टाइप कराएं जिधर से प्लेऑफ्स होगा और इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें बिकॉज हमें T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है एंड उसके बाद टाइम है नहीं बिकॉज फिर दो और नई टीम्स को लेके आना है, देन नेक्स्ट सीजन का ऑक्शन होगा, नेक्स्ट सीजन आईपीएल का, फिर नेक्स्ट सीजन भी कराना है, तो इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कोविड के कारण। तो हम ये भी सोच रहे हैं कि हम एक मिनी आईपीएल करा देते हैं। अब इसका फॉर्मेट क्या होगा, तो अभी आप अपने स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल देख सकते हो, इधर जो आपको टॉप फोर टीम्स देखने को मिल रही है यही चार टीम्स मिनी आईपीएल में पार्टिसिपेट कर पाएगी, एलिजिबल हो पाएगी उसके लिए, बाकी चार टीम्स हो जाएंगी बाहर। अब जो बाकी चार टीम्स हैं उनके फैंस को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको आईपीएल देखना है तो फिर ऐसे ही देखने को मिल पाएगा, वैसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ये खुद ऑफिशियल ने कहा था। अब देखो जो चार टीम्स है, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस, तो होगा क्या, पहले क्वालिफायर वन खेला जाएगा जहां पर आपको दिल्ली और चेन्नई के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा, जो टीम जीतेगा वो सीधे फाइनल में जाएगा, देन दूसरा मैच होगा एलिमिनेटर का बैंगलोर एंड मुंबई के बीच, जो उसको जीतेगा वो जाएगा क्वालिफायर टू में और सामना करेगा क्वालिफायर वन के लूजिंग टीम का, जो हारेगा वो हो जाएगा टूर्नामेंट से बाहर। इसके बाद होगा क्वालिफायर टू, क्वालिफायर वन के लूजिंग टीम एंड क्वालिफायर टू के विनर्स के बीच, जो इस मैच को जीतेगा वो जाएगा फाइनल में, इसके बाद हमें फाइनल देखने को मिलेगा क्वालिफायर वन एंड क्वालिफायर टू के विनर्स के बीच, जो जीतेगा उसको ट्रॉफी देके घर भेज दो। अब देखो अगर आप चार टीम रखते हो तो आपको कम प्लेयर्स बुलाने पड़ेंगे, छोटा सा बबल क्रिएट करना पड़ेगा और इसका एक और एडवांटेज है, अगर यूएई में सिर्फ चार मैचेस होते हैं तो उसे T20 वर्ल्ड कप पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज उधर भी आपके पास तीन वेन्यूज है, आप कहीं पे दो मैचेस और दो अलग अलग वेन्यू पे एक एक मैच अगर कर देते हो ऐसा, तो वो पिच मतलब उसके बाद अच्छा खासा टाइम रहेगा 20 दिन का, उसमें फिर से पिच को नया किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पूरा आईपीएल कराते हो तो फिर उधर T20 वर्ल्ड कप पॉसिबल नहीं है, ये बात बीसीसीआई को भी पता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मिनी आईपीएल एक बहुत अच्छा आइडिया है बिकॉज बहुत कुछ है यार। अगर आपको लग रहा है कि आईपीएल होना चाहिए पूरा, तो देखो आईपीएल के बाद भी हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा जिसमें आईपीएल जितना ही मज़ा आता है फिर आईपीएल से ज़्यादा भी मज़ा आता है बिकॉज वहाँ पे हमारी इंडिया होती है, उससे पहले अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, देन इंग्लैंड इंडिया के बीच मैचेस होंगे, तो ये आइडिया भी अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर ये भी होता है तो मैं तो बीसीसीआई के साथ हूँ, एंड अगर ऐसा करते हैं तो जैसा मैंने आपको बहुत सारे एडवांटेज बताए कि यूएई का पिच भी पुराना नहीं होगा, वहाँ पे आप वर्ल्ड कप भी करा पाओगे T20 का, इसके अलावा ये जल्दी भी खत्म हो जाएगा, आपको ज़्यादा बड़ा बबल क्रिएट भी नहीं करना पड़ेगा, तो ये कुछ एडवांटेज है इसके। आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताना कि आपका मिनी आईपीएल पे क्या कहना है, क्या मिनी आईपीएल कराना ज़्यादा सही होगा, नीचे कॉमेंट्स में लिखकर बताओ। अभी के लिए छोड़ो बस इतना ही, तो अभी के लिए बस यही थोड़ा, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कॉमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे आपको, चलिए लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।